नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से विधायक रहे सचिन बिल्डर ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से सीआईसी में अफरा तफरी मची हुई है। इस बीच पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सचिन बिल्डर पर निशाना साधा। घनघोरिया ने कहा कि जब भी गद्दारों की लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में सचिन बिल्डर का नाम सबसे आगे होगा। बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि कितनी भी खरीद फरोख्त कर ले, भाजपा वे कुछ नहीं कर सकती, जनता इसका जवाब देगी। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि सचिन बिल्डर कांग्रेस से जीत कर डेढ़ साल तक आराम से रह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भी डेढ़ साल हो गए, लेकिन ऐसे में सचिन को ये सब बातें याद आ रही है। बिकने वाला कोई ईमान धर्म नहीं होता है। जब भी गद्दारों की लिस्ट बनेगी, उनका नाम सबसे आगे होगा। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि भाजपा कितनी भी खरीद फरोख्त कर ले, लेकिन अब उसका पखंड सामने आ रहा है। चारों सीटों पर हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस की ही जीत हो रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। परिवार को कहा जो है, ये बड़ी विचित्र बात है, जब लोगों को आज पैसे की जरूरत है और किसी और का पैसा नहीं, कोई खैरात लोग नहीं मांग रहा है, अपना पैसा मांग रहा है। किस तरह कांग्रेस की तैयारी है और कल एक बार फिर एक कांग्रेस चुनाव जीतेगी? कल एक विधायक ने फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। वो कितनी फरोख्त खरीद फरोख्त कर ले, देश का जनमानस इस समय भारतीय जनता पार्टी के पाखंड ढोंग और पर। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।